खुशहाल है, हम सब खुशहाल हैं, यही हम सब का मकसद है। पिछला साल गुजर गया, खुदा ने सब खैरियत रखी। देखिए, जहाँ तक आज की रिव्यू मीटिंग का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपने ऑफिसरों से जो किसानों की फलाह बहबूदी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कैपेक्स बजट या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से कुछ मुराद उनको देने के लिए स्कीमें दी जाती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जायज़ा लेने के लिए आज यहाँ पर ये मीटिंग मुनक्कद की गई। और ख़ासकर एक चीज़ को उजागर करने के लिए कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक यूटी लेवल पर अपेक्स कमेटी बनाई थी कि जिसकी हेडिंग डॉक्टर मंगला राय साहब कर रहे थे, जो एक्स डायरेक्टर जनरल ICR हैं। उनकी सरबराई में कुछ टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स बने थे और यूटी गवर्नमेंट के पास जब वो 29 प्रोजेक्ट फाइनल करके ले लिए गए, उसका अप्रूवल कुछ दिन पहले 19 तारीख को जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें उनको अप्रूव किया गया, और 3 दिन पहले जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जी इस चीज़ को मंदिरआम पर प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उसका ऐलान किया। अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इसके बारे में जानकारी देना कि ताकि ये मैसेज हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे कि आपकी फलाह बहबूदी के लिए गवर्नमेंट मजीद क्या करने जा रही है। और उससे पहले डिपार्टमेंट के लोगों की हैंड होल्डिंग करना, डिपार्टमेंट के लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना, ताकि वो किसानों को बताने में कामयाब हो जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवेयरनेस किसानों के बीच में देने के लिए अपने स्टाफ को ये इस बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दी गई कि ये जो प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसके बीच में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या अलर्ट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है, इसको अमली जमा कैसे पहनाया जाए, रिसोर्स पर्सन कहाँ से आए और क्या क्या लवाजमात, क्या क्या जरूरियात हैं, इनपुट्स क्या क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को का जायजा लेने के लिए आज यहाँ पर मीटिंग ली गई। और कोशिश कर रहे हैं हम कि आने वाला खरीफ सीजन, जैसे पिछले रबी के दौरान में हम लोगों ने कोशिश की कि आयल शीड के अंडर बहुत ज़्यादा एरिया लाया जाए, पल्सीज के अंडर बहुत सारा एरिया लाया जाए, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आने वाला जो खरीफ सीजन है उसके लिए हमारे ग्राउंड लेवल से सीड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किसी जगह फील्ड में कोई गलत चीज़ें तो नहीं जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों को असेस करने के लिए आज यहाँ पर ये एक रिव्यू मीटिंग ली गई। और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले खरीफ से पहले पहले दोबारा इन लोगों के साथ फिर मीटिंग की जाए और लार्ज स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम किए। सर, किसानों की बात करेंगे, जो ही डिपार्टमेंट के पास कोई स्कीम आती है किसानों के लिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उन लोगों के तक बिल्कुल नहीं पहुंच जाती है और ना ही इस हवाले से उनको आगाह किया जाता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक केस है तो आप मुझे बताएं, मैं इस मसले की तह तक जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताने में खुशी महसूस होती है।